अब अंबानी से भी बड़ा नाम बन चुका है दमानी। एक समय था कि लोग भारत में टाटा बिरला की बात करते थे, फिर देश में अंबानी और अडानी की बात होने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक और उद्योगपति का नाम इन दिनों चर्चा में है। वह नाम है राधाकृष्ण दमानी का, जो कि मुंबई शेयर बाजार के जाने माने दलालों में गिने जाते हैं। खबर है कि राधाकृष्ण दमानी ने दौलत के मामले में एक दिन के भीतर ही अनिल अंबानी को पीछे छोड़ दिया। दरअसल करीब डेढ़ दशक पहले राधाकृष्ण दमानी की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड ने डीमार्ट नाम से खुदरा सामान बेचने वाले स्टोरों की श्रृंखला शुरू की थी। पिछले दिनों उसका IPO शेयर जारी किया गया, जो कि 299 रुपए शेयर के हिसाब से बेचा गया था। जब बाजार में उसकी लिस्टिंग हुई तो वह तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 641 रुपए तक जा पहुंचा। मतलब यह कि जिन लोगों ने यह शेयर खरीदा था वे एक ही दिन में 2.5 गुना मुनाफा कमा चुके थे। जो शेयर जारी किए गए थे उनका बाजार मूल्य 40,000 करोड़ है। बताते चलें कि इनमें से दमानी परिवार के पास 82% शेयर है, जिनकी कीमत 33,125,000 करोड़ रुपए है। एक ही झटके में वे इतने अमीर हो गए कि उन्होंने अनिल अंबानी, अजय पीरामल, राहुल बजाज को भी पीछे छोड़ दिया। इस समय देश में जितने भी सुपर बाजार चल रहे हैं, अगर उन सब की शेयरों की कीमत को भी जोड़ दिया जाए तब भी डीमार्ट उन सबसे आगे निकल जाता है। आज देश के 45 शहरों में उनके 118 स्टोर काम करते हैं। यह सभी अपनी खरीदी जगह पर खोले गए हैं, इसलिए उन्हें किराए की चिंता नहीं करनी पड़ती है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया में जो 15 भारतीय खरबपति हैं, उनमें वे सबसे आगे हैं। उन्होंने मुनाफे में रिलायंस रिटेल व फ्यूचर रिटेल को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां वॉलमार्ट, मेट्रो, एजी सरीखी कंपनियां अपने घाटे ही कम नहीं कर पा रही है, वहीं डीमार्ट का लाभ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने आज तक अपना एक भी स्टोर बंद नहीं किया। बताते हैं कि दमानी ने अपना पहला स्टोर 2002 में नवी मुंबई में खोला और फिर बड़े शहरों की जगह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की ओर कूच किया। ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारियों की जगह ऐसे लोगों को तवज्जो दी जो कि माल बेचने में माहिर हो।